क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बिना किसी केमिकल के नेचुरली ग्लो करे? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसा अमेजिंग फेस पैक जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन चमक उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम है ब्यूटीफुल टिप्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चारू। अमेजिंग फेस पैक शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी तो बनेगी ही, साथ में नेचुरली ग्लो करेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं जैसा आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करिए, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है टमाटर। जी हाँ, टमाटर दिखने में जितना सुंदर होता है, गोल मटोल होता है, उतना ही वो हमारी स्किन को सुंदरता प्रदान करता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। तो यहाँ हमें चाहिए एक लाल और एकदम स्वस्थ, यानी कि ना ही वो गला हुआ हो और ना ही किसी तरीके के उसमें गंद आ रही हो, एकदम स्वस्थ और एकदम अच्छा टमाटर हमें यहाँ लेना है। अब उसे कट कर लीजिए। जब वो दो भाग में कट हो जाता है तो एक भाग को आप हटा लीजिए। जो एक टुकड़ा है उसका, उसको किसनी या फिर जो हम कहते हैं क्रश करने वाली, उससे आप कद्दूकस कर लीजिए। जो हम घर में किसनी इस्तेमाल करते हैं, अदरक वगैरह घिसने वाली, उसी से आपको टमाटर को अच्छे से किस लेना है। किस लेने के बाद आपको ऐड करना है एक चम्मच शहद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये फेस पैक ऐसा है जिसे आप नेचुरली यूज तो कर सकते हैं और साथ में आप इससे अगर रोज यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग आएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन कंटिन्यू इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक क्रीमी कंसिस्टेंसी बन के रेडी हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से अब इस फेस पैक को अपने साफ चेहरे पे अप्लाई करना है हल्के हल्के हाथों से। अब इस पेस्ट को हमारे चेहरे के साथ साथ हमें हमारी गर्दन पे भी अप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चेहरे का रंग तो बहुत सुंदर होता है पर हमारी गर्दन का रंग उतना साफ नहीं होता है। तो दोनों के अलग अलग कलर से हमें अनकंफर्टेबल लगता है, यानी कि हम उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा फेस तो बहुत ग्लो कर रहा है पर हमारी जो गर्दन दिख रही है वो ग्लो नहीं कर रही है। तो जब आप इस फेस पैक को अप्लाई करते हैं, जब भी आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं या डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे अपने चेहरे के साथ साथ अपने गर्दन पे भी जरूर से लगाएं। गले और चेहरे पे लगाने के बाद आपको 5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। टमाटर में लाइकोपिन होता है, यह आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और आपकी स्किन को ताजगी देता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। 5 मिनट के मसाज हो जाने के बाद आप इस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे और गर्दन पे लगा रहने दीजिए। जब 15 से 20 मिनट हो जाते हैं तो इस पैक को साधारण या फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर ली। वॉश करने के बाद आपको कुछ फर्क आपकी त्वचा पे दिखाई देगा, यानी कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आपके चेहरे पे आपको ताजगी महसूस होगी। आप इसे हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास टाइम है इस पैक को बनाकर इस्तेमाल करने का, तो आप इसे डेली भी इस्तेमाल करिए। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये हमारे स्किन को बहुत फ़ायदा देंगे। मार्केट में मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट से अच्छा हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके के जो फेस पैक होते हैं इसे आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी और एक टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।